आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में तीसरा अध्याय पश्चिम का मरुस्थल, ठीक है, हमारे देश के भारत के पश्चिम में जो मरुस्थल है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मरुस्थल पश्चिम का मरुस्थल है ना, तो सबसे पहले हम लोग मरुस्थल के बारे में जानते हैं कि मरुस्थल क्या होता है, ठीक। तो मरुस्थल वह स्थान होता है जहां वनस्पति केवल नाम मात्र की पैदा होती है, ठीक है, मतलब सिर्फ नाम के लिए न के बराबर है ना, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत है कि नहीं, नाम मात्र की पैदा होती है। यहां दूर दूर तक रेत फैली होती है, ठीक। तो मरुस्थल क्या होता है, तो मरुस्थल वैसा स्थान होता है, ठीक है, जहां पर वनस्पति नाम मात्र की हो, बहुत कम हो, ठीक है, और दूर दूर तक जो है रेत फैला हुआ होता है। भारतीय मरुस्थल उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिम में, ठीक है, उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके जस्ट पश्चिम में जो है वो भारत का मरुस्थल पड़ता है। यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, इसे थार मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल कहते हैं। इसका फैलाव इन पहाड़ियों से, ठीक है, इसका फैलाव इन पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ, ठीक। इसका जो फैलाव है वो पश्चिमी सीमा से, तो भारत के जो पश्चिम में जो मरुस्थल है वहां से तो शुरू हुआ ही है, लेकिन ये फैलते फैलते कहां तक चला गया है, पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ, ठीक है। इसमें, ठीक है, इसे जुड़ा पाकिस्तान का कुछ भाग भी मरुस्थल है, यानी कि यह फैलते फैलते पाकिस्तान तक पहुंच गया है कि नहीं, और वहां पर जो है पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो है वह उस मरुस्थल के अंदर आता है। आइए आगे देखते हैं। मरुस्थल में चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है, ठीक है, मरुस्थल के चारों तरफ क्या दिखाई देता है, केवल रेत ही रेत दिखाई देता है। वह क्षेत्र लगभग सपाट एवं समतल होता है। कैसा होता है? सपाट और एवं समतल, मतलब कैसा, एकदम बराबर है ना, समतल होना चाहिए, जो है मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होता है, समतल होता है, बराबर होता है, ठीक है। कहीं कहीं चट्टाने तथा ऊंची नीची भूमि भी है। कहीं कहीं पर क्या है, चट्टान है, ठीक है, कहीं कहीं पर ऊंचा नीचा भूमि भी है। जगह जगह रेत के टीले भी पाए जाते हैं, यानी जगह जगह पर रेत का टीला। टीला मतलब क्या हुआ, मतलब अगर अधिक मात्रा में रेत होगा है ना, अधिक मात्रा में, ठीक है, ये अधिक मात्रा में रेत है तो इस प्रकार से जो है एक टीला का निर्माण हो गया है ना, इस प्रकार से टीला का निर्माण हो गया। तो कहीं कहीं पर चट्टाने तथा ऊंची नीची भूमि भी है और जगह जगह पर रेत के टीले भी पाए जाते हैं। इन टीलों को टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं इन टीलों को? इन टीलों को कहते हैं टिब्बा। रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? टिब्बा कहा जाता है, ठीक है। यहां तक आइए आगे चलते हैं। ये टिब्बे तेज हवा के कारण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर बन जाते हैं। ये अनेक आकार प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहां पर रेत का एक टिब्बा बना हुआ है, ठीक, रेत का एक यहाँ पर जमा हो गया एक साथ और यहाँ पे एक टिब्बा का निर्माण किया है, तो फिर जब हवा चलता है तो क्या होता है, यह रेत उड़ करके कहीं दूसरे जगह पर जाता है और फिर वहां पर एक टिब्बा का निर्माण कर देता है ना। और कोई जरूरी नहीं कि इसी प्रकार का टिब्बा होगा है ना, अलग अलग प्रकार के भी टिब्बे होते हैं। यहाँ गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, मरुस्थल के बारे में आपको हम कुछ बताए थे। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है और तेज आंधियां चलती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जहां पर रेत होगा है ना, जहां पर रेत होता है तो रेत क्या है कि यह रेत के अंदर ऐसा गुण होता है कि वह, इसका गुण ही हम इसको कह सकते हैं कि रेत जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी यह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी यह ठंडा हो जाता है। तो यह दिन के समय में है ना, जब दिन रहता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिस वजह से जो है यह रेत बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्मी पैदा करता है, और जब
फिर क्या होता है कि जब रात होता है तो रात के समय में यह रेत धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना। और रेत जब ठंडा हो जाता है तो ठंडा हो जाने के बाद जो है वहां पर सर्दी महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ गर्मी की ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है और तेज आंधियां चलती है। ठीक है, आंधी कैसे चलता है, बहुत तेज आंधी चलता है। ठीक है, बाहर निकलना तथा कोई कार्य करना बहुत कठिन होता है। रात के समय में मौसम ठंडा रहता है, जैसा कि अभी हम आपको एक उदाहरण लेकर के बताएं, है ना। शीत ऋतु में रातें बहुत ठंडी हो जाती है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, कुछ स्थानों पर कई कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। जैसे आपको पता होगा कि जहां पर वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे जहां पर होते हैं, वहां पर जो है वर्षा अधिक होती है। लेकिन मरुस्थल में क्या है, यहाँ पर तो वृक्ष न मात्र के पाए जाते हैं, मतलब न के बराबर थोड़ा सा पाए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर वर्षा जो है वह नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि कुछ स्थान पर ऐसा होता है जहां पर कई कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है। भारतीय मरुस्थल में कोई बड़ी नदी नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नदी नहीं है, वर्ष के समय कहीं कहीं पाई जाए पानी की छोटी छोटी धाराएं बन जाती है। ठीक है, जब वर्षा होता है तो उसी समय जल का छोटा छोटा जो है वो धारा बन जाता है, कोई यहाँ पर नदी नहीं है, है कि नहीं, छोटी छोटी धाराएं बन जाती है। परंतु कुछ समय कई कई मील दूर जाना पड़ता है कि नहीं, यहाँ पर अधिकांश भूमि उपजाऊ है परंतु पानी की कमी के कारण यहाँ वनस्पति नहीं उगती है। जल तो है नहीं, ठीक है, मिट्टी तो उपजाऊ है लेकिन वहां पर जल है ही नहीं। तो जब जल नहीं है, ठीक है, तो फिर सिंचाई कैसे होगा, और जब सिंचाई नहीं होगा तो फिर पौधा उगेगा कैसे, है कि नहीं, तो वनस्पति नहीं उगती। जहां कहीं पानी पाया जाता है वहां घास और पेड़ पौधे दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक है, वहां पर उगना शुरू हो जाता है। नागफनी और खजूर के, ठीक है, वृक्ष यहाँ अधिक पाए जाते हैं। नागफनी और खजूर, यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन है, नागफनी, ठीक है, नागफनी और खजूर, नागफनी और खजूर के वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नागफनी और खजूर के वृक्ष यहाँ अधिक पाए जाते हैं। रेगिस्तान से घिरे जल के ऐसे भाग को मरुद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुद्यान, यानी कि रेगिस्तान का वैसा भाग, ठीक है, कह सकते हैं कि रेगिस्तान का वैसा भाग जो पेड़ पौधों से, जल से जो है, जहां पर जल होगा वहां पर पेड़ पौधे होंगे, है ना, उसे जो घिरा रहता है क्षेत्र, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक। आगे है कि इस स्थान पर रहने वाले लोग गेहूं, मक्का, ज्वार तथा बाजरा की फसल करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर कुछ फसल का नाम दिया हुआ है, जो फसल यहाँ पर जो लोग रहते हैं उस फसल को उपजाते हैं, ठीक है, और उसका फिर उपयोग करते हैं। तो ये फसल कौन कौन है, देखिए, हम लोग गेहूं, मक्का, ज्वार तथा बाजरा जो है यहाँ की फसलें। आगे है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम बस्तियां पाई जाती है। बस्तियां क्या होता है, लोगों के रहने का स्थान, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बस्ती बोलते हैं। तो कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम बस्तियां पाई जाती है ना, वहां पर बस्ती कम पाया जाता है। उसके पीछे कारण है, कई प्रकार के कारण है, जैसे वहां पर जो है वनस्पतियां कम है, ठीक है, जब वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो लोग खाएंगे क्या, जल की वहां पर जो है बहुत समस्या है ना, वहां पर जल नहीं मिल पाता है आसानी से, ठीक है, वहां के लोग जो है वो जल और पशुओं के घास की खोज में जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर जो वो हमेशा भटकते रहते हैं, ठीक है। तो यही सब कारण के वजह से जो है वहां पर बस्तियां कम पाई जाती हैं। इनके अस्थाई घर नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब घुमंतु घोटिया आप कह सकते हैं, एक जगह दूसरे स्थान पर अपना डेरा डालते हैं। ऐसे लोगों को खानाबदोश कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, घुमंतु भोटिया, या फिर इसको हम लोग खानाबदोश भी कहते हैं। आगे है कि मरुस्थल में यात्रा करना बहुत कठिन और दुष्कर होता है। चले जाएगा जब तो है बालू में पैर धंस जाता है ना, बालू में पैर जब धंस जाएगा तो फिर हम लोग को चलने में समस्या होती है, ठीक है। तो मरुस्थल में यात्रा करना बहुत कठिन एवं दुष्कर होता है। यहाँ सड़कें एवं रेल मार्ग रेत के कारण नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है,
रेत है, तो सड़क अगर बनाया जाएगा तो फिर अब जब उस पर कोई वाहन गुजरेगा तो उसके चक्का में चारों तरफ से जो है बालू आकर के पकड़ लेगा, उसको चलने नहीं देगा, है कि नहीं। अतः यहाँ रेल मार्ग व सड़कें बहुत कम है, कहीं कहीं जहां पर मरुस्थल क्षेत्र कम है, ठीक है, वहां पर बनाया गया है ऊंचा स्थान देख करके, ठीक है, लेकिन कम है। अलवर, बीकानेर एवं जोधपुर में ही रेल मार्ग है, यहाँ लोग यातायात हेतु ऊंट गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। किस गाड़ी का प्रयोग करते हैं? ऊंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि वहां का जो एक तरह से आप कह सकते हैं वहां का जो सब मतलब सब कुछ करने धरने वाला जो है सब उसी पर डिपेंड है, तो वह कौन है? ऊंट है, इसीलिए ऊंट को जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, उसके पैर में गद्दे, उसका पैर जो होता है वो गद्देदार होता है, ठीक है, वो बालू में ज्यादा चिपकता है, मतलब बालू उसको ज्यादा पकड़ता नहीं है, वो आसानी से जो है अपना सफर तय कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ लोग यातायात हेतु ऊंट गाड़ियों का उपयोग करते हैं, ऊंट रेगिस्तान में बहुत उपयोगी होता है, यह गर्म रेत पर आसानी से चल सकता है, यह कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, अतः इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट जो है जल का सेवन अगर एक बार कर ले तो कई कई दिनों तक जो है बिना जल के वो रह सकता है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय सरकार, ठीक है, मरुस्थलीय भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास कर रही है, प्रयास में सरकार लगी हुई है कि जो मरुस्थलीय भाग है उसको भी उपजाऊ किया जाए, ठीक है। इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट बनाया गया, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वहां पर मरुस्थल क्षेत्र में मतलब कि जल पहुंचाया जाए, है ना, एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है, चलाया गया यह प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत सतलुज नदी से एक नहर है राजस्थान की ओर लाई गई है, सतलुज नदी से जो है एक नहर निकाल करके और राजस्थान की तरफ जो है लाई गई है, ठीक है। इस नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। अगर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात की जाए तो हम देखिए यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई जो है वो है 649 किलोमीटर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितना है? 649 किलोमीटर, ठीक है, और इसको पूरा होने में लगभग 35 वर्ष का समय लग चुका था। इसको पूरा होने में कितना समय लगा? लगभग 35 वर्ष का समय इसको पूरा होने में लगा, ठीक है। दिया कि राजस्थान के कुछ भागों में इसके पानी के द्वारा सिंचाई की जा रही है, तो यह जब इंदिरा गांधी नहर नहीं था तो बहुत मतलब की समस्या थी, फिर जैसे ही सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करके राजस्थान में लाया गया तो जब यह नहर आया तो सिंचाई के लिए जो है बहुत अच्छा हो गया, है ना, और फिर इससे जो है सिंचाई किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग हमारा जो आज का अध्याय था, तीसरा अध्याय पश्चिम का मरुस्थल, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।